हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विद मैजिक। आज हम लोग क्लास 5 के लिए चैप्टर 17 जूनियर मैथ्स के बुक के अकॉर्डिंग पेरिमीटर एंड एरिया देखेंगे। तो चलो सबसे पहले समझते हैं पेरिमीटर क्या होता है, ठीक है। तो देखो, एज यू कैन सी हियर, पेरिमीटर द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर। मतलब देखो, कहा गया जैसे मान लो कोई भी क्लोज्ड फिगर है, ठीक है, जैसे ये क्लोज्ड फिगर है, ठीक है। तो टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री, बाउंड्री क्या होता है, किनारा, बाउंड्री क्या होता है, किनारा, ठीक है ना। तो किनारे का टोटल लेंथ, जैसे ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, यानी जैसे ये फोर साइडेड फिगर है तो चारों साइड का लेंथ, सपोज ये 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, एंड दिस वन इज 8 सेंटीमीटर, एंड दिस वन इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पेरिमीटर क्या होता है कि चारों साइड के, जैसे ये चारों साइड, मतलब फोर साइडेड फिगर है इसलिए चारों साइड, मतलब सारे साइड के लेंथ को ऐड कर देना, सारे साइड के लेंथ को क्या करना, ऐड, मीन्स 10 सेंटीमीटर, दिस 10 सेंटीमीटर प्लस दिस 12 सेंटीमीटर प्लस दिस 8 सेंटीमीटर प्लस दिस 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10 प्लस 12 22 22 प्लस 8 30 प्लस 7 37 सेंटीमीटर, और ये क्या हो गया, पेरीमीटर। ये क्या हो गया, पी स्टैंड्स फॉर पेरीमीटर, ठीक है ना। इस फिगर का पेरीमीटर क्या हो गया, 37 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे सपोज और भी फिगर्स हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, एनी क्लोज्ड फिगर, कोई भी क्लोज्ड फिगर के लेंथ ऑफ द बाउंड्री, लेंथ ऑफ द बाउंड्री मीन्स व्हाट, द किनारा, किनारा, ठीक है ना। किसी भी फिगर का किनारा जो होगा ना, ठीक है, किसी भी फिगर का किनारा होगा तो उस सारे किनारे के लेंथ को ऐड कर लेंगे, यानी बाउंड्रीज के लेंथ को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। जैसे दिस, ओके, ये सिक्स साइडेड फिगर है तो कोई लेना देना नहीं। अगर समवन विल आस्क यू व्हाट विल बी द पेरिमीटर ऑफ दिस फिगर एंड द लेंथ्स आर गिवन, लाइक दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज आल्सो 5 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर, ओके, अगेन 5 सेंटीमीटर, दिस 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो समवन विल आस्क यू इफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज आर गिवेन, मतलब यहाँ से यहाँ 6 सेंटीमीटर, दिस वन 6, दिस वन टू दिस वन 6, दिस वन 5, यहाँ से यहाँ 5 और यहाँ से यहाँ 4 दिया है। तो समवन विल आस्क यू व्हाट विल बी द पेरिमीटर ऑफ दिस फिगर, व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट ऐड द लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज, ठीक है ना, सारे लेंथ को ऐड कर लेंगे, यानी पेरिमीटर, पी स्टैंड्स फॉर पेरिमीटर, ओके। तो पेरिमीटर क्या होगा, तो 5 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस दिस 6 सेंटीमीटर प्लस दिस 5 सेंटीमीटर देन दिस 5 सेंटीमीटर प्लस दिस 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 plus 6 11 11 plus 6 17 17 plus 5 22 22 plus 5 27 27 plus 4 27 plus 4 31 सेंटीमीटर, ओके। हमें कुछ नहीं करना, अगर जब भी बोला जाए पेरिमीटर तो पेरिमीटर याद रखना, एरिया बाद में देखेंगे, पहले पेरिमीटर। तो पेरिमीटर क्या है, वो किसी भी फिगर, क्लोज्ड फिगर का जो बाउंड्री का लेंथ होता है ना, जितना, मतलब जितने भी साइडेड फिगर हो उससे कोई लेना देना नहीं, सारे लेंथ, मतलब बाउंड्री के लेंथ को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, सारे लेंथ बाउंड्री के लेंथ को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। अब देखो, जैसे अब अगर मान लो आ जाए, अब रेक्टेंगल एंड स्क्वायर के लिए, ठीक है ना, रेक्टेंगल और स्क्वायर के लिए समझिएगा, अगर आपसे कोई पूछे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 into length, जिसे हम L से भी इंडिकेट करते हैं, प्लस ब्रेथ, ओके। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इट्स 2 into length प्लस ब्रेथ, हम जो भी लेंथ दिया होगा और ब्रेथ दिया होगा उसे ऐड कर लेंगे और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। एंड अनदर वन, देखो L भी लिखा होता है और B के लिए
सिर्फ ब्रेथ के लिए बी लिखा होता है, तो हम आपको फुल फॉर्म में लिख दिया एल और बी भी होता है, ठीक है ना। और एक और फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के लिए देखिए, स्क्वायर देखिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 × साइड। वाई 4 × साइड, या इसे कहते हैं 4 × ए, ए फॉर लेंथ ऑफ साइड, ठीक है ना, ए फॉर लेंथ ऑफ साइड। तो देखो क्यों 4 × ए कहते हैं, क्योंकि जो स्क्वायर होता है वो चारों साइड क्या होता है, सेम लेंथ होता है। स्क्वायर जो होता है वो चारों साइड सेम होता है, तो एक साइड प्लस दो साइड प्लस तीन साइड प्लस चार साइड, चार से जो भी लेंथ ऑफ वन साइड दिया हो, एक जो होगा वही तो चारों होगा ना, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे लेंथ ब्रेथ रेक्टेंगल क्या होता है, देखो रेक्टेंगल जो होता है ऐसा होता है, इसे रेक्टेंगल कहते हैं। और रेक्टेंगल में क्या होता है, इस लेंथ के बराबर इसके ऑपोजिट में ये लेंथ होता है, ठीक है, इस लेंथ के अपोजिट में ये, इसके बराबर ये होता है और इसके बराबर ये होता है, जो लंबाई होता है उसे लेंथ कहते हैं और ये जो होता है इसे ब्रेथ कहते हैं। सपोज़ इसका लेंथ मान लो 10 सेंटीमीटर दिया है, तो ये भी क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। अगर सपोज़ ये ब्रेथ 6 सेंटीमीटर है, तो इसके अपोजिट ये भी क्या होगा, 6 सेंटीमीटर, क्लियर। और स्क्वायर में चारों साइड बराबर, मान लो ये 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 3 सेंटीमीटर, क्लियर। तो हमने अभी तक क्या देखा, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है टोटल लेंथ, टोटल मतलब सारा लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज फिगर, कोई भी क्लोज फिगर दिया है उसके लेंथ, बाउंड्री के लेंथ्स को जोड़ दीजिए, बाउंड्री के लेंथ्स को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, लेंथ ऑफकोर्स दिया रहेगा तो उसे आपने बस ऐड कर देना है, ठीक है। लेकिन अगर फिगर तो दो फिगर का फॉर्मूला भी दिया, ठीक है, अभी के अकॉर्डिंग तो दिया है, जैसे अगर कहा रेक्टेंगल दिया, उसने लेंथ का मेज़रमेंट दिया हो और ब्रेथ का मेज़रमेंट दिया हो, तो हमने क्या करना है, हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी लेंथ और ब्रेथ के मेज़रमेंट को के सम कर देने हैं और फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब सम ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ देन मल्टीप्लाई इट बाई 2, ओके, पहले जोड़। नाउ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 × साइड, मतलब 4 इज फिक्स एंड साइड जो भी स्क्वायर का मेजरमेंट दिया होगा, साइड का मेजरमेंट उसे पुट कर देना, कहीं कहीं पे 4 ए रहता है, ए मतलब भी व्हाट, लेंथ ऑफ मेजरमेंट ऑफ साइड, ओके। चलो नाउ लेट्स कम टू द एक्सरसाइज 17A फ्रॉम द बुक जूनियर मैथ्स, ओके। देखो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन इज रिटन, फाइंड द पेरीमीटर, ओके, फाइंड द पेरीमीटर। तो व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज द फिगर ऑफ ट्राइंगल, है ना, ये क्या है, ट्राइंगल का फिगर है, तो कांट यू ऐड द लेंथ ऑफ द साइड, पेरीमीटर निकालना है, तो ये इस साइड का लेंथ दिया, इस साइड का लेंथ दिया, इस साइड का भी लेंथ दिया, तो हमें क्या करना है, जोड़ देना है। इसका फॉर्मूला तो हमें पता नहीं है अभी, ठीक है, तो हमें ना समझ आए तो सिंपल सच, तीन साइडेड फिगर है, तीनों साइड के लेंथ को जोड़ दीजिए, मीन्स 6.2 प्लस 3.9 एंड दिस 5.5, ओके, 2 प्लस 9 11, 11 प्लस 5 16, 16 का 6, ओके, इन हैंड 1 डेसिमल है, डेसिमल दे देंगे, 1 यहाँ पे भेज देना हमें, ठीक है। 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 5 15, यानी 15.6, और ये सेंटीमीटर में लेंथ दिए हुए थे, तो 15.6 सेंटीमीटर, क्लियर। सिमिलरली वी विल डू विद दिस टू ऑल्सो, विल ऐड द लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ ईच साइड, ओके। What we will do? We will add the length of the boundary of each side. Means 3 सेंटीमीटर, आप क्या करोगे, सबसे पहले 3 सेंटीमीटर, देन यहाँ पे डेसिमल नहीं है, यहाँ पे ऐसे करके लिखो, 3 है ना सिंपल सा, तो 3, और यहाँ डेसिमल नहीं था इसलिए 0.0 कर दिया, 1.5 2.8 3.5 1.2 एंड 2.5, सारे सेंटीमीटर में ऐड कर लीजिए। देखो ये सिंपल सा सिर्फ 3 था, तो इसे 3.0 कर दे, क्योंकि ये डेसिमल में नहीं था, क्लियर। 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 5 25, 25 का 5 इन हैंड 2,
ठीक है, यहाँ डेसिमल देंगे, टू यहाँ लिख देंगे। ओके, टू प्लस थ्री फाइव, फाइव प्लस वन सिक्स, सिक्स प्लस टू एट, एट प्लस वन नाइन, नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस टू फोर्टीन, मीन्स ये क्या आ गया 14.5 सेंटीमीटर। अब आप ये वाला खुद से सॉल्व कर सकते हो, याद रखना ये डेसिमल में है बस, तो इसे वन, ये वन ही है ना डेसिमल में, तो यहाँ पे वन अपने से पॉइंट देकर जीरो दे दो, ठीक है। फिर ये 4.5, दिस इज ओनली 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे अपने से जीरो दे दो। जैसे ये सिंपल सा 5 है ना, तो 5.0 लिख सकते हो, ये भी 5 है, 5.0। चलो ऐड करके अब आप यहाँ पे खुद से लिख सकते हो इतना सेंटीमीटर जो भी आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक, फिल द पेरीमीटर्स ऑफ द रेक्टेंगल, पी स्टैंड्स फॉर पेरीमीटर, ओके, एल फॉर लेंथ, बी फॉर ब्रेथ। ओके, लुक एट हियर, फर्स्ट इज ऑलरेडी डन, व्हाट इज डन, लुक कि पी फॉर पेरीमीटर, पेरीमीटर देखो सबसे पहले रेक्टेंगल का है, ठीक है, ये क्या है फिगर रेक्टेंगल के लिए, लेंथ इज गिवन 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज गिवन 4.5 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होगा 21, ठीक है, कैसे आएगा फॉर्मूले पे पुट करके, उसी तरीके से लेंथ इज गिवन 5.5, ब्रेथ इज गिवन 3 मीटर, तो पेरीमीटर क्या होगा, तो हम आपको रेक्टेंगल और पेरीमीटर का रेक्टेंगल, सॉरी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या बताया अभी, लुक 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, तो देखो ये भी फॉर्मूला हो सकता है, नो डाउट एट ऑल, लेकिन आप डायरेक्टली लगाओ 2, ठीक है, इंटू लेंथ, फर्स्ट सेकेंड वाले के लिए क्या है लेंथ 5.5, एंड व्हाट इज ब्रेथ, इट्स 3, डन, ठीक है। फिर फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ, लेंथ क्या है इस फिगर के अकॉर्डिंग, एल फॉर लेंथ 5.5, तो 5.5 प्लस ब्रेथ, ब्रेथ क्या दिया था 3, तो 3 लगा दिया, ठीक है, मीटर है तो मीटर लिख देंगे। चलो ये देखो, ये बताओ यहाँ पे आगे हम लोग सॉल्व करते, 2 इज फिक्स पहले, 2 फिक्स, अब 5.5 और 3 को ऐड करेंगे, तो देखो 5.5 एंड सिर्फ 3 है, यहाँ पे मत लिख देना ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये 5.5 है और सिर्फ 3 है, तो 3 को यहाँ लिखना अपने से, फिर डेसिमल देकर 0 लिख देना, ठीक है, 5.5 प्लस 3 8, यानी 8.5, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे तो वी विल गेट 8.5 मीटर। नाउ कैन यू मल्टीप्लाई दिस 2 इंटू 8.5, लुक 8.5 को 2 से मल्टीप्लाई जब भी करना होता है तो पहले फॉरगेट दिस डेसिमल, आप डेसिमल को भूल जाओ, पहले सिंपल से भूल जाओ यहाँ कोई डेसिमल है, 2 से मल्टीप्लाई करो, ओके, 5 इंटू 2 10 इन हैंड 1, 16, 2 इंटू 8 16 प्लस 1 17, ओके, अब देखो कैसे डेसिमल लाते हैं, पॉइंट के बाद कितना डिजिट, एक डिजिट ना, पॉइंट के बाद कितना डिजिट, एक, तो जो भी आंसर आया उसके बैक से, ठीक है, बैक से, हमेशा बैक से, ठीक है ना, एक पॉइंट के बाद एक डिजिट ना, तो बैक से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, जीरो एक डिजिट हो गया, पॉइंट लगा दिया, अगर दो डिजिट के बाद डेसिमल होता तो बैक से दो डिजिट काउंट करके फिर डेसिमल लगाते, आगे से नहीं बैक से, ओके, तो यहाँ क्या हो गया 17.0, जब 17.0 तो सिंपल सा लिख सकते हैं 17 मीटर, क्लियर, करना कुछ नहीं है, लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, फॉर्मूले पे पुट कर दिया और उससे सॉल्व करने पे पहले इन दोनों को ऐड किया, ऐड करने पे 8.5 आया, उसे 2 से मल्टीप्लाई किया, पहले डेसिमल को भूल गए, ठीक है, डेसिमल को भूल जाओ, पहले समझो 85 इंटू 2 करना, 85 इंटू 2 कर लिया, फिर देखो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, बस एक, तो जो भी आंसर है उसके पीछे से एक डिजिट के बाद डेसिमल, तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं 17 मीटर। अगेन दिस क्वेश्चन, लेंथ इज गिवन, लुक लेंथ, एल स्टैंड फॉर लेंथ, लेंथ इज गिवन, ब्रेथ इज गिवन, कांट वी फाइंड आउट पेरीमीटर, तो अगेन फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू, ओके, 2 इज फिक्स, लेंथ, चलो हम फॉर्मूला लिख के बना देते, लेंथ प्लस ब्रेथ, ओके, तो देखो 2 इज फिक्स, लेंथ क्या है 12, ओके, एंड व्हाट इज ब्रेथ, ब्रेथ इज गिवन 7 सेंटीमीटर है, चलिए ठीक है, 2 फिक्स,
पहले टू के साथ कुछ भी नहीं, टू फिक्स इन टू, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ठीक है। 12 + 7 = 19 सेंटीमीटर है, देखो करना कुछ नहीं है। टू फॉर्मूला क्या है, हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फाइंड करना है क्योंकि लेंथ अलग है और ब्रेथ अलग है ना। तो देखो फॉर्मूला क्या लगाना है, टू पी फॉर पेरीमीटर इज इक्वल टू टू इन टू एल फॉर लेंथ बी फॉर ब्रेथ, शॉर्ट में एल लिख दिया लेंथ के लिए और बी लिख दिया ब्रेथ के लिए, ठीक है। तो देखो टू फिक्स इन टू इन टू इन टू लेंथ की जगह पे यहाँ 12 रखा एंड ब्रेथ की जगह पे 7 रखा, ठीक है। नाउ टू फिक्स टू फिक्स, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 19 आएगा एंड 19 इंटू टू करेंगे तो क्या आएगा, 38 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द आंसर, 38 सेंटीमीटर। तो वी विल राइट हियर 38 सेंटीमीटर, क्लियर। तो इसी तरीके से रेस्ट ऑफ द टू क्वेश्चंस आप बना सकते हो, कुछ भी नहीं है, बस डेसिमल का ध्यान देना है, ठीक है। डेसिमल का ध्यान देके आप आराम से बना सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन। नाउ मैच द साइड्स ऑफ ईच स्क्वायर विथ इट्स पेरीमीटर। लुक एस फॉर साइड, दिस इज द साइड इज गिवन। अब ये क्या स्क्वायर है और स्क्वायर का पेरीमीटर दिया है, ठीक है। तो जैसे देखो कैसे कह दिया, अगर साइड 3 सेंटीमीटर होगा तो उसका पेरीमीटर इतना होगा, कैसे कह दिया। तो इस पेरीमीटर का इस फॉर्मूला क्या है, सॉरी स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है, 4 × साइड। देखो एस फॉर साइड, ओके, 4 × साइड एंड हियर रिटन एस फॉर साइड 4 × साइड। तो 4 इज फिक्स और साइड की जगह क्या पुट किया, 3, तो 4 × 3 12 सेंटीमीटर। उसी तरीके से अगर साइड इतना हो तो P इज इक्वल टू होता है, स्क्वायर है इसलिए 4 × साइड होता है, क्या होता है, साइड। तो देखो 4 तो फिक्स है और साइड का लेंथ क्या लिख सकते हो, 4.5। चलिए आप देखिए इसे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मल्टीप्लाई करना है हमें 4 × 4.5 करना है। तो फॉरगेट दिस डेसिमल, अभी डेसिमल भूल जाओ, ठीक है। आप मल्टीप्लाई ऐसे करो, 45 डेसिमल भूल जाओ, 45 को 4 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 5 × 4 20 का 0 इन हैंड 2, 5 × 4 16 प्लस 2 18, ओके। मेरा आ गया 45 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट 180। देखो 4 × 45 था ना, तो 45 को 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो यहाँ पे डेसिमल था, हम तो डेसिमल भूल के मल्टीप्लाई कर रहे थे। डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, बाद ना कि पहले, डेसिमल के बाद कितना डिजिट, एक। तो यहाँ से बैक से डेसिमल के जस्ट बाद एक डिजिट है, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट लगा दो, सॉरी बैक से काउंट करके डेसिमल लगा दिया, ठीक है। तो आंसर क्या है, 18। What is the answer? 18, है ना। तो we will write here 18 meter, it's meter, so we'll give meter. Done. Now, see the third one also, ठीक है, third भी। तो इसके लिए जैसे 18 है, तो 18 के लिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो यहाँ से ये तो इसका हो चुका 18, इसके लिए 18 आ रहा है, हमारा आंसर क्या है, 18। तो 18 के लिए कौन सा मैच कर रहा है, तो 18 के लिए हमारा ये वाला मैच कर रहा है, ठीक है, मैच करना है हमें। चलिए अब इसके लिए देखते हैं हम लोग, ठीक है, 22.3 के लिए। तो लुक व्हाट इज़ द फॉर्मूला, ये स्क्वायर है तो 4 × साइड है, डन। तो 4 इज फिक्स एंड व्हाट इज़ द लेंथ, मेजरमेंट ऑफ द लेंथ साइड, इट्स 2.3, ओके। तो लेट्स पुट इट, यहाँ पे मीटर था तो मीटर लगा देंगे, ये सेंटीमीटर में, तो वी विल गिव यू सेंटीमीटर। चलिए 4 × 2.3 मल्टीप्लाई करना, अगेन फॉरगेट दिस डेसिमल, 23 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए पहले, 4 × 3 12 का 2 इन हैंड 1, 8 + 1 9 92 आ गया, है ना, सेंटीमीटर। नाउ डेसिमल के बाद कितना डिजिट, एक। तो पीछे से एक डिजिट के बाद डेसिमल, डेसिमल के बाद एक डिजिट था यहाँ पे क्वेश्चन में, है ना, तो पीछे से एक डिजिट के बाद डेसिमल, यानी 9.2, ओके। हमारा आंसर आया 9.2 सेंटीमीटर। नाउ टेल मी इज इट देयर इन ऑप्शन, इसके लिए 9.2 है ना, तो वी विल मैच दिस वन बाय
दिस वन। अब यहाँ पे तो एक और चीज़ हो गया जो बच गया, ये इसका हो जाएगा, लेकिन आप कैलकुलेट करके यहाँ पे देख लेना, ठीक है। चलो नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर ए स्क्वायर। ओके लिसन नाउ व्हाट इट इज हियर, कि पी फॉर पेरीमीटर इज गिवन, ओके पी फॉर पेरीमीटर इज गिवन एंड वी हैव टू नाउ कैलकुलेट साइड। वट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट साइड। देखो इस फोर्थ के लिए हम आपको यहाँ पे कॉपी में बताते हैं, ठीक है। जैसे कह रहा है अगर पेरीमीटर, देखो कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स फॉर स्क्वायर, तो अगर पेरीमीटर 32 था तो उसका साइड क्या आया 8 सेंटीमीटर, और अगर पेरीमीटर 64.8 मीटर होगा तो वट विल बी द साइड। ओके तो लुक लुक, इफ साइड इज पेरीमीटर इज गिवन 64.8 मीटर, तो साइड क्या होगा, है ना। देखो पेरीमीटर दिया इतना, तो साइड क्या होगा, तो लुक जब भी आपने पेरीमीटर दिया है हम आपको क्या बताए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये बताए। लेकिन अगर मान लो आपको एक और फॉर्मूला वहाँ पे ऐड करने ना, वैसे तो हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन एक और निकाल लेना। मान लो आपको साइड ऑफ स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है, साइड ऑफ स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, आपको पेरीमीटर जो भी दिया है, ठीक है, पेरीमीटर जो दिया उसे 4 से डिवाइड करना है। ये क्या है, यहाँ नीचे लिखना मीन्स डिवाइड करना है, ठीक है। तो आपको अगर साइड ऑफ स्क्वायर निकालना है तो पेरीमीटर जो दिया है उससे 4 को डिवाइड करना है। तो देखो पेरीमीटर दिया है, साइड निकालना है, एज फॉर साइड, तो साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर, पी फॉर पेरीमीटर को डिवाइड करना है 4 से, तो व्हाट इज़ द पेरीमीटर गिवन, साइड निकालना है, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या दिया, पेरीमीटर के जगह पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पेरीमीटर के जगह पे हम 64.8 लिख सकते हैं, और डिवाइड करना हमें 4 से। ध्यान से समझना, जब भी पेरीमीटर दिया हो स्क्वायर में साइड निकालना है, तो देखो साइड यानी एस फॉर साइड, एस फॉर व्हाट, साइड, ठीक है। तो पेरीमीटर को 4 से डिवाइड करो, अगर स्क्वायर साइड निकालना है तो पेरीमीटर को 4 से डिवाइड करो। तो देखो पेरीमीटर दी, पी फॉर पेरीमीटर, पेरीमीटर दिया था, साइड निकालना था, तो साइड निकालने का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर को 4 से डिवाइड करना, यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखे, ठीक है। तो देखो पेरीमीटर दिया क्या था क्वेश्चन में, 4.8 लिख दिया, और 4 से डिवाइड करना। एक और चीज़, जब भी हम डेसिमल रिमूव करते हैं, लिसन वेरी केयरफुली, जब हम डेसिमल रिमूव करते हैं तो देखो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, बस एक, बाद, पहले नहीं, कब देखना है, बाद, तो बाद में एक डिजिट है, तो इनटू में डेनोमिनेटर में क्या जाता है, 1 के साथ एक जीरो जाता है, ठीक है। जब हम डेसिमल हटाते, यानी यहाँ पे पॉइंट था ना 64.8 था, तो जब हम डेसिमल हटाते यानी जब हम पॉइंट हटा रहे हैं, ठीक है, तो डेसिमल के बाद डिजिट देखते, यहाँ पे बस एक डिजिट था इसलिए यहाँ पे 1 के साथ एक जीरो लगाया, यानी हमारा हो गया 648/40, ठीक है। क्या अब हम 10 × 4 = 40, क्या अब हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, चलिए ये इस फॉर्म में है, इसका मतलब क्या, हमें इससे इससे डिवाइड करना है, ओके। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं 40 के टेबल में ये आता नहीं एक बार में, ठीक है, माइनस यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 और ये वाला 8 लगा देना है, 240 हमारा 6 टाइम में आएगा। अगर 40 के टेबल को 6 टाइम पढ़ेंगे तो वी विल गेट 240 एंड हियर 8, डन। अब क्या करना है हमें, ये हो गया, अब देखो 8 से तो, अब यहाँ से तो कोई डिजिट है नहीं कि यहाँ उतरे, है ना। तो सुनना, यहाँ डेसिमल देकर यानी पॉइंट देकर वहाँ पे हम यहाँ पे क्या लगा सकते, एक जीरो। जब हम क्वेश्चेंट में एक पॉइंट देते हैं तो यहाँ पे एक जीरो भी लगा सकते। अब बताओ 40 के टेबल में 80 आता है, हाँ, कितनी बारी में, दो बारी में, तो ये कट कर आ गया कितना, यानी ये जो हमारा आंसर आया वो आ गया क्या 16.2 मीटर साइड का, ठीक है। तो क्या अब यहाँ पे हम 16.2
2 मीटर लिख सकते हैं. क्लियर. नाउ इफ द पेरीमीटर इज गिवन 44, तो व्हाट विल बी द साइड इफ पेरीमीटर. देखो सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर आई एम ऑल्सो गोइंग टू सॉल्व हियर. थर्ड वाला ये आपका, अगर पेरीमीटर 44 सेंटीमीटर दिया है तो साइड क्या होगा. ठीक है, अगेन सेम फॉर्मूला, साइड इज इक्वल टू होता है पेरीमीटर बाय 4. ओके, तो पेरीमीटर क्या है 44, पी फॉर पेरीमीटर. ओके, आई हैव रिटन हियर फुल स्पेलिंग बट हियर ओनली पी, पी फॉर पेरीमीटर. तो 44 बाय 4, तो 4 के टेबल में क्या 44 डिवाइड होता है, 4 के टेबल में एक बार में, 4 के टेबल में 44 कितने बार में, 11 टाइम है, और यहाँ 1 बच गया तो उसे कोई लेना देनी, 11 सेंटीमीटर. व्हाट इज द साइड, नाउ हियर वी विल राइट 11 सेंटीमीटर. ओके, बस इससे 4 को डिवाइड कर देना, कुछ भी नहीं, इससे भी 4 को डिवाइड कर देना. क्लियर, जैसे इसे 4 को डिवाइड करा तो 11 मिला, इसे 4 को डिवाइड किया तो इतना मिला, उसी तरीके से इन दोनों को भी. लेकिन हम आपको समझाने के लिए इतना वर्किंग किए, अगर पेरीमीटर दिया है, साइड निकालना है, तो फॉर्मूला होता है साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर बाय 4. पेरीमीटर की जगह ये रखा, 4 फिक्स है, 4 रखा, 4 से 44 डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 11. ओके ओके, तो रेस्ट ऑफ द टू क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व इट बाय योर ओन. Now, look question number 5 and question number 6. देखिए 5 क्या कह रहा है, find the perimeter of rectangle. We have to find the perimeter of rectangle in which length is given, breadth is given. तो हम perimeter नहीं निकाल सकते क्या. देखो A number 5 का A, okay? Look, length is given this one, L for length. Length is given 11.25 centimeter. एंड ब्रेथ इज गिवन 7.5 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर निकालना किसका, रेक्टेंगल का. तो फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी पी, ठीक है ना, पूरा लिखना, पूरा लिख दो, पी इज इक्वल टू रेक्टेंगल के लिए तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. ठीक है, 2 फिक्स है, इंटू लेंथ क्या है 11.25 एंड ब्रेथ प्लस, ब्रेथ की जगह क्या रखेंगे 7.5 एंड दिस इज सेंटीमीटर, सो वी विल गिव यू सेंटीमीटर. ओके, नाउ कैन वी ऐड दिस टू, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो यहाँ पे 11.25 में ऐड करना है 7.5, तो डेसिमल के इधर वाला इस साइड में और डेसिमल के उधर वाला उस साइड में, तो 7.5 और यहाँ पे कुछ नहीं तो अपने से जीरो लगा देना, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद दो जीरो था, हमारा सिर्फ 7.5 था तो जीरो अपने से लगा दिया. चलिए ऐड करते हैं, 5 + 0 = 5, 2 + 5 = 7, डेसिमल है विल गिव डेसिमल हियर, यहाँ डेसिमल है तो डेसिमल, 1 + 7 = 8 एंड हियर 1. ओके, चलिए तो क्या बताइए आप, इन दोनों को ऐड करके यानी इसके जगह पे, तो 2 इज फिक्स इंटू 18.75 सेंटीमीटर. नाउ कैन वी मल्टीप्लाई दिस टू, मल्टीप्लाई इसके जगह ऐड करने पे यह है, अब इसे 2 से मल्टीप्लाई. तो हम आपको क्या बताएं, जब भी डेसिमल रहे तो पहले भूल जाओ डेसिमल, यानी आपने मल्टीप्लाई करना 8.75 इंटू 2. ठीक है, भूल जाओ अभी डेसिमल, बस इतना याद रखो. ठीक है, 1875, चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 5 इंटू 2 10 इन हैंड 1, 14 प्लस 1 15 इन हैंड 1, 16 प्लस 1 17 इन हैंड 1, 2 प्लस 1 3, यानी हमारा आंसर आ गया ये 3750. नाउ व्हाट यू हैव टू डू हियर वाज डेसिमल, तो आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट्स थे, 2 1 और 1 2, है ना, डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे, 1 और 1 2. तो पीछे से जो भी आंसर आया मल्टीप्लाई करने के बाद, उसमें पीछे से 1 2 डिजिट था, इसलिए 2 डिजिट के बाद डेसिमल. एक डिजिट होता तो पीछे से जो भी, देखो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लिया, भूल जाओ कोई डेसिमल है, बिना डेसिमल को याद किए पहले मल्टीप्लाई कर लिया, सिंपल सिंपल सा नंबर लिख के, फिर उसे लिख दो और देखो डेसिमल के बाद कितना डिजिट था, 2. तो जो भी आंसर आया उसमें पीछे से 2 डिजिट के बाद 1 और 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया. अगर पिछले क्वेश्चंस में हमारे क्या आ रहे थे, 1 डिजिट के बाद डेसिमल आ रहे थे, है ना, तो हम 1 डिजिट के बाद लगा रहे थे डेसिमल, अब यहाँ पे 2 है तो 2 डिजिट के बाद. उसी तरीके से आप ये भी सॉल्व करोगे, और ये भी लेंथ इज गिवन,
ब्रेथ इज गिवन। आप इसी तरीके से ना समझ आए तो इसे आप रिपीट करके देख सकते हो और फिर बना सकते हो, ठीक है। नाउ सिक्स्थ नंबर, लुक, सिक्स्थ इज व्हाट, वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड, साइड इज गिवन, ओके, साइड दिया, मान लो पहला 6.4 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है एस क्यू फॉर स्क्वायर 4 इंटू साइड, ओके, तो 4 इज फिक्स, साइड कितना दिया है 6.4, तो हम आपको क्या बताएं, ये भी डेसिमल में, तो भूल जाइए डेसिमल पहले, ठीक है, तो चलिए 64 को मल्टी 64 इंटू 6.4, तो इससे 6.4 को 64 लिख सकते हैं और इसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 4 16 एन एन 1 24 प्लस 1 25 इतना आ गया, इसे लिख देते हैं 256 सेंटीमीटर, बट हियर वॉज डेसिमल, तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट, एक, तो पीछे से एक डिजिट के बाद डेसिमल, क्लियर। बी नंबर एक और देखिए, जैसे जैसे अगर ई नंबर देखो, ई नंबर इसी का ये वाला है ना, अगर साइड दिया है ई का 27.8 दिया है ना, तो क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है, ये आपको बार बार फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, 4 इंटू साइड आप समझ चुके तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, 4, लेकिन ये लिखना पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इंटू साइड इज 27.8 सेंटीमीटर, ओके, तो नाउ लेट्स मल्टीप्लाई दिस, भूल जाओ 27.8 है तो अभी भूल जाओ पॉइंट को, 278 इंटू 4 कर दो, 4 इंटू 8 32, इन हैंड 3 7 इंटू 4 28 प्लस 3 31, अगेन इन हैंड 3 4 इंटू 2 8 प्लस 3 11, 8 प्लस 3 11, तो वी विल राइट 1112 सेंटीमीटर, बट डेसिमल के बाद कितना डिजिट, एक, तो पीछे से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया, दिस इज व्हाट द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, इफ द साइड इज गिवन दिस तो पेरीमीटर ये, ठीक है, थैंक यू, और अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक्स एंड कमेंट्स, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट।